गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बच्चों देखिए हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 16 है आपका ये। भारत देखिए बहुत विशाल देश है और इसको संचालित करने के लिए सरकार के लिए अत्यंत कठिन काम होता है। इसीलिए सरकार जो है इसे दो भागों में विभाजित कर देती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के विभिन्न अंग होते हैं और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य के अन्य मंत्री, राज्य सरकार के विभिन्न अंग हैं। प्रत्येक राज्य में अनेक गांव, कस्बे और शहर हैं जिसमें अत्यधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। प्रत्येक गांव, कस्बे तथा शहर की अपनी समस्याएं, आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए गांव अथवा शहर के लोगों का स्वच्छ जल, पानी, विद्यालय, डाकखाना आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्य के लिए एक समूह द्वारा किया जाता है ये कार्य जो है। इस समूह को गांव में ग्राम पंचायत तथा शहरों में नगर पालिका कहते हैं। ग्राम पंचायत देखो क्या होता है, हमारे देश में प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में 5 सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य पंच कहलाता है और ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वो सरपंच अथवा प्रधान कहलाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है गांव के लोग पंचायत के सदस्यों का मतदान चुनाव द्वारा करते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होता है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा भी कहते हैं। इसके सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। समय समय पर ग्राम पंचायत के सदस्य सभा आयोजित करते हैं और वे सभा में ग्रामवासियों के हित और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। आरोपी जो पक्ष है उसको दंड लगा सकती है, ग्रामवासियों के अगर छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं, किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती लेकिन साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो रखती है, पीने के पानी की व्यवस्था रखती है, रोगियों की देखभाल के लिए प्राथमिक अस्पतालों की व्यवस्था करती है, अनेक रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाने का प्रबंध भी करती है, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है। यह कृषि के सुधार की तकनीक तथा गाँव में लघु उद्योग की जानकारी देती है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं। गाँव में मेले की व्यवस्था करती है, जैसे चौबारी में मेला लगता है और भी बहुत सारे मेले लगते हैं तो उनकी जो देखरेख होती है वो करते हैं, वो ग्राम पंचायत के अंदर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, यह सड़कों एवं गलियों का निर्माण एवं मरम्मत कराती है और उनमें प्रकाश की व्यवस्था करती है। सरकार ने गांवों में ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की हुई है। ये ग्राम या पंचायत ग्रामवासियों की जीवन शैली तथा कार्य की दशाएं सुधारने में सहायता करती हैं और ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं के विषय में जो भी सरकार चलाती है उसको ग्रामवासियों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ग्राम पंचायत को अपने सभी कार्य करने के लिए सरकार से धन की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आपको देखिए अपनी कॉपी में ये चित्र बनाना है। ठीक है, ये जो पंचायत में बैठ के जो लोग हैं, देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग, तो ये आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपनी कॉपी में और जितना भी पढ़ाया हुआ है ये आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।